हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित सिंह विज्ञान के ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के हमारे टॉपिक क्लास 10th की केमिस्ट्री एंड चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और वहां से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार कई कॉम्पिटिशन्स में, बोर्ड एग्जाम्स में एंड इवन सीटेट, वनडे, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार पूछा जाता है। और वो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कास्टिक सोडा क्या होता है। कास्टिक सोडा, फ्रेंड्स, ये नाम आपने कई बार सुना होगा। खास करके कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि यार, मैं जिस साबुन या जिस डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें कास्टिक बहुत है, हाथ में बहुत ज्यादा चमड़ा वगैरह वैसे वैसे सिकुड़ जाता है या कपड़े का कलर चला जाता है। तो कास्टिक की मात्रा बहुत ज्यादा होने से उसका इफेक्ट कपड़ों पर बहुत ही बुरा होता है, उसका एडवर्स इफेक्ट देखा जाता है। फ्रेंड्स, कास्टिक सोडा के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कास्टिक सोडा होता क्या है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे थे, इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मैं सारे कास्टिक सोडा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं या इससे रिलेटेड जो प्रोसेस होती है उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। फ्रेंड्स, एक रिएक्शन जो बोर्ड पे दिया गया है वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर NaCl है। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड जब वाटर से रिएक्ट करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का मदद लेते हैं और एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी के मदद से उसके मेन कंपोनेंट्स में हम तोड़ देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। अब जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपके सामने कहूं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर का तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, यानी कि उनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ देना, उसके मुख्य जिसके द्वारा हुआ बना उसमें तोड़ देना। तो यहां हम इलेक्ट्रोलिसिस का या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं जब सोडियम क्लोराइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम हमारे सामने जो रिजल्टेंट आता है वो होता है NaOH। ये NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ही कास्टिक सोडा कहलाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ये दो चीजें हमारे सामने बनती है, यानी कि ओवरऑल एक प्रोसेस है जहां पर हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर से रिएक्ट कराया, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनाया। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि इसमें कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो ये जो कैथोड और एनोड होता है, यानी कि एक पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है, एक नेगेटिव स्ट्रैंड होता है, उसके अंदर में जो होता है, जो हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर में दो रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कहां कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये भी एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए यहां पे आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि सर, ये वो प्रोसेस है जहां पर हम लोगों ने ये देखा है कि क्लोरीन और उसी के साथ एल्कली, यानी कि क्लोर एल्कली प्रोसेस जो हम लोगों ने नाम दिया है, तो क्लोर से मतलब होता है क्लोरीन और एल्कली का मतलब होता है कि एल्कलाइंस। अब एल्कलाइंस का मतलब क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की जा रही है, तो यहां ये दोनों चीजें बनते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप देख सकते हैं NaCl है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये वही है जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा के साथ इसने क्लोरीन बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। इस चेंबर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जब यहां पर हम लोगों ने करंट को पास कराया, तो आप फ्रेंड्स देखोगे कि यहां पर हमारी ये जो NaCl है वो वाटर की मदद से टूट करके दो चीजों में बट जाती है। जो पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है वहां पर क्लोरीन बनता है, यानी कि पॉजिटिव स्ट्रैंड को हम लोग एनोड नाम से जानते हैं। एनोड पे क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा। कहां बनेगा, एनोड पे। तो अब बारी आती है कैथोड की, तो कैथोड के पास क्या बनेगा, जाहिर सी बात है कि क्लोरीन के बाद बचा क्या हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। आप यहां देख सकते हैं रिएक्शन में, तो ये हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनेगा और यहीं पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी के नियर में फॉर्म होगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक बड़ा सिंपल सा 2 मिनट का एक कॉन्सेप्ट है कि कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है। तो कास्टिक सोडा बनाने के लिए मेन कॉम्पोनेंट होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, और उस कॉमन सॉल्ट को जब हम वाटर में मिला करके स्टेयर कर देते हैं और उसमें दो स्ट्रैंड्स डाल देते हैं, कैथोड और एनोड डाल देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी
यानी कि बिजली की करंट जब उसमें से हम पास कराते हैं तो हम देखते हैं कि कैथोड पर जा करके और एनोड पे जा करके वह टूट करके दो भागों में बढ़ जाती है और पहले हिस्से में क्लोरीन और दूसरे हिस्से में हाइड्रोजन गैस, ये दोनों चीजें फॉर्म कर जाती है। फ्रेंड्स इससे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि ये जो प्रोसेस की जाती है क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो इससे हमें मेन मेन क्या क्या चीजें मिलती है। तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स व्हिच आर ऑब्टेंड बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोर एल्कली, यानी कि क्लोर एल्कली प्रोसेस करने के जरिए हमें मेन कंपोनेंट्स क्या मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जवाब इसके नाम में ही छिपा है कि क्लोर एल्कली का मतलब होगा कि यहां पर जब हम करते हैं तो हमें क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और कुछ ऐसी भी चीजें जहां पे सोडियम के साथ जुड़ करके, जैसे हम लोगों ने कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लेबोरेटरी में इस मेथड से बनाया जाता है हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन करके, यानी कि आर्टिफिशियल वे में। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसे यह भी उठ सकता है कि आपसे पूछ देगा कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा। चलिए एक क्वेश्चन है, यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के क्या क्या यूजेस होंगे। तो इसका जवाब होगा फ्रेंड्स हमारा कि सबसे पहले ये सोप्स एंड डिटर्जेंट को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर कोई पूछता कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो आप इसका जवाब देंगे कि इसका इस्तेमाल जो है साबुन बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में यानी सर्फ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, तो इंडस्ट्रीज में इसके अलावा रेयॉन, जो एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल फाइबर मानी जाती है, रेयॉन भी इससे बनाई जाती है, RAYON, ये रेयॉन भी इंडस्ट्रीज में इसकी मदद से बनाई जाती है जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में भी इसका बड़ा रोल है, पेपर इंडस्ट्री यानी कि जो कागज बनाई जाती है, इसके अलावा अगर आपसे फ्रेंड्स पूछा जाए कि और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये बॉक्साइट ओर के एक्सट्रैक्शन में भी यूज किया जाता है, तो फ्रेंड्स बॉक्साइट ओर आप जानते हैं जहां से हम लोग एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर के अंतर्गत, जिसका मेन मोटो ये है कि हमसे ये जानना चाह रहा है ये कास्टिक सोडा है क्या चीज। तो कास्टिक सोडा क्या चीज है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम बनाते हैं सोडियम क्लोराइड और वाटर की मदद से, जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो NaOH होता है, यही NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे क्लोर एल्कली प्रोसेस पूछता है तो आप कहेंगे कि वह प्रोसेस जिसके जरिए क्लोरीन और एल्कलीज को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, ऑब्टेंड किया जाता है, उसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर इसमें तीसरा कोई प्रश्न बनता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी यूजेस क्या है, कॉस्टिक सोडा यूज क्या होता है। तो आपके सामने बड़ा सिंपली हम लोगों ने देखा कि सोप डिटर्जेंट, यानी कि जो साबुन से हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट्स यानी कि सर्फ्स वगैरह, शैम्पूस वगैरह, वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत प्रमुख है, जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज है। दूसरी चीज है स्टूडेंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पेपर, और उस पेपर को बनाने में कॉस्टिक सोडा का मदद लिया जाता है। इसके अलावा आप रेयॉन, जो कि एक इंडस्ट्रियल फाइबर है, बहुत सारी चीजें इससे बनाई जाती है, कुछ कपड़े वगैरह या स्विम सूट्स वगैरह या फिर बहुत सारी चीजें हैं, ये इंडस्ट्री भी बनाती है, किसकी मदद से बनाती है, कास्टिक सोडा की मदद से बनाती है। और फिर जब हम बॉक्साइट ओर के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम लोग वहां पर भी कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें और एल्युमिनियम
एलिमेंट्स को प्राप्त कर सके। इसके अलावा फ्रेंड्स क्लोरीन का इस्तेमाल अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्लोरीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इसका सबसे बढ़िया आपसे पूछा जा सकता है कि यहां पर दूसरी चीज आ गई क्लोरीन, यानी कि यूजेस ऑफ क्लोरीन। तो वाटर प्यूरिफाइंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। वाटर को प्यूरिफाई करने में क्लोरीन का बहुत बड़ा यूज है। इसके अलावा वाटर प्यूरिफिकेशन के अलावा अब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वाटर प्यूरिफिकेशन भी किस तरह का काम करता है, तो ये काम करता है डिसइंफेक्टेंट का। डिसइंफेक्टेंट का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि मतलब जैसे हमने पानी लिया, अब ये पानी किसी सोर्स से आ रहा है और उस पानी के अंदर में बहुत सारी बैक्टीरिया, अब वो बैक्टीरिया जब हमें प्यास लगेगी हम पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी में जाएगा तो हमें हार्म पहुंचाएगा। तो वाटर को डिसइंफेक्ट करना अर्थात तो उसमें से इंफेक्शन को खत्म कर देना, इसके लिए क्लोरीन का यूज करते हैं। तो हमने लिखा फॉर वाटर प्यूरिफाइंग, अर्थात वाटर के अंदर में जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो बैक्टीरिया है उसको खत्म करने के लिए, किल करने के लिए और पानी को प्यूरिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरीन का और क्या इस्तेमाल है, तो आप बोल सकते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में भी करते हैं, यानी कि इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल बेसिकली ब्लीच वर्ड का इस्तेमाल किया गया। ब्लीच आपने देखा होगा कि कभी घरों में काई वगैरह लग जाती है, खास करके बाथिंग एरिया में या जहां पर हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं, या हमारे आसपास में कहीं कुएं वगैरह होते हैं या तालाब के किनारे में आप देखते हैं ग्रीन ग्रीन कलर की एक चीज जिसमें पांव फिसल जाता है, उसे हम काई कहते हैं। तो ये काई को भी साफ करने में एक इसका बहुत बड़ा रोल है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल आजकल हमारे कलर के लोग चेहरे को साफ करने के लिए भी करते हैं। आपने देखा होगा तमाम कंपनीज है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, जो ब्लीचिंग पाउडर बनाती है और खास करके आपको चमकाने के लिए सैलून वाले भी आपको ये बताते हैं कि भैया थोड़ा सा ब्लीच करवा लेंगे क्या। अब वास्तविकता में ये ब्लीच क्या है, क्लोरीन के जरिए बनाया गया। और फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करने से हमारे स्किन के लेयर्स को नुकसान पहुंचता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत अच्छी चीज नहीं है इन टर्म्स ऑफ हमारे यूज के लिए। बाकी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल अन्य कई जगह पे इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है, जैसे कि अभी देखिए आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जो सस्ते अखबार होते हैं या सस्ती कॉपीज होती हैं, तो वो आपने देखा होगा उसका पीला पीला पन्ना होता है, जो पेजेस होते हैं बड़े रफ होते हैं और बड़ी शाइनिंग नहीं होती है। लेकिन वही ब्रांडेड आप कॉपीज जब लेते हैं तो आप बड़ी शाइनिंग उसकी पेज को देखते हैं, बड़ा एकदम स्मूथ रहता है। तो हम ये समझ सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल निश्चित तौर पर पेपर इंडस्ट्री में तो जरूर होता होगा, और भी कई यूजेस हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपसे फिर पूछ सकता है कि इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर के अलावा और क्या क्या हो सकता है, तो आप इसका जवाब बोलेंगे कि यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है। HCl तो दिख ही रहा आपको, तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाता है तो एक बड़ा अच्छा सा यूजफुल एसिड बनाता है, खतरनाक भी है लेकिन यूजफुल भी है। तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टोमक, और वो HCl क्यों होता है, ताकि वो एक अच्छा सा मीडियम क्रिएट कर सके ताकि बाकी सारे एंजाइम्स उसमें प्रॉपरली वर्क करें, और इसके साथ साथ जो भोजन के साथ जो अशुद्धता या जो बैक्टीरिया या कुछ गंदगी भोजन के साथ आ गई थी उन सबको किल करता है, ताकि हमें भोजन से किसी प्रकार की पॉइजनिंग ना हो, फूड पॉइजनिंग ना हो, और भी बहुत सारी चीजें। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि ये वाटर को भी प्योरीफाई कर रहा है, ये ब्लीचिंग पाउडर भी बना रहा है, और अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना रहा है। और अगर आपसे इसके अलावा भी अगर आपसे पूछता है कि आप बताओ कि और इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, तो आप इसके जवाब में बोलेंगे कि हमारे यहाँ जो ये ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग
का मतलब ये होगा कि आपने लॉन्ड्रीज वगैरह देखा होगा, वहां पे ड्राई क्लीनिंग में क्लोरीन का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल है। तो फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें हैं, पेंट्स बनाने में इस्तेमाल है, बहुत सारी चीजें विनाइल्स बनाने में इसका इस्तेमाल है बहुत। अब आपके सामने ये चीज है कि क्लोरीन का यूज क्या है, तो बेसिकली अगर आपसे पूछ रहा है तो आप इसके चार पांच अच्छे से यूजेस को समझ के आप बता सकते हो कि क्लोरीन भी हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि जो हम पानी पी रहे हैं उस पानी को साफ करने का काम, डिसइंफेक्ट करने का काम क्लोरीन के जरिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो घर में गंदगी वगैरह हो जाने पर या और भी काई वगैरह छुड़ाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी क्लोरीन की मदद से बन रहा है। फिर आप बोलेंगे कि HCl की बात करें या NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात करें या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, बहुत जगह ये अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मिलकर के एक यूजफुल सॉल्ट बनाने का भी काम करता है। और आप जैसे अभी NaCl की बात आपके सामने मैं रखता हूं, तो NaCl क्या है, एक कॉमन सॉल्ट है, वो कॉमन सॉल्ट जो हमारे डेली लाइफ में भोजन का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम और भी कई सारी चीजें हैं कि सॉल्ट को भी कैटेगराइज किया गया कि कॉमन सॉल्ट है, एक रॉक सॉल्ट है। इन दिनों आपने देखा होगा कि कुछ मार्केट में महंगे सॉल्ट्स आ रहे हैं, काफी एक्सपेंसिव है, 100 रुपीज केजी या 200 रुपीज केजी, और उन पे लिखा रहता है रॉक सॉल्ट। उनका बेसिकली कलर हल्का सा पिंक होता है। तो अब एक तो व्हाइट सॉल्ट हो गया, अब ये व्हाइट सॉल्ट जो हम सभी कॉमन लोग सभी लोग खाते हैं, तो ये व्हाइट सॉल्ट कैसे हमें ऑब्टेन होता है, तो ये जो भी सी वाटर्स होती है इनका इवेपोरेशन करके इंडस्ट्रीज में तमाम मशीनरी का इस्तेमाल करके इस सॉल्ट को बनाया जाता है, जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट या फिर व्हाइट सॉल्ट कहते हैं। और जब बात रॉक सॉल्ट की आती है तो रॉक सॉल्ट से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि धरती के नीचे गड़े हुए बहुत सारे पत्थर के टुकड़ों को जब हम लोग डिग करते हैं, तोड़ते हैं, तो अंदर से भी कुछ सॉल्ट प्रॉपर्टीज की कुछ सामान, कुछ वस्तुएं हमें प्राप्त होती है, जिसे हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन जो इसमें प्राप्त होता है, हाइड्रोजन का क्या काम होता है, तो हाइड्रोजन का काम आपको बताने की जरूरत नहीं कि हाइड्रोजन एक ऐसा वस्तु है, हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हमारे फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल होता है। और ये वही फर्टिलाइजर्स है जिसका इस्तेमाल हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता उसका मुख्य इस्तेमाल करते हैं, ताकि उपज अच्छी रहे, और उपज अच्छी रहेगी तो देश की जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या की सारी डिमांड्स को भोजन के जरिए पूरा किया जा सकेगा। और आपको तो पता ही है कि हम जिस देश में रहते हैं, यह देश एक कृषि प्रधान देश है, तो कहीं ना कहीं ये फर्टिलाइजर भी, अब हालांकि हम लोग अब इसको आगे बताएंगे कि इसको स्पेसिफाई करेंगे कि बायो फर्टिलाइजर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो चीजें, लेकिन फर्टिलाइजर का बेसिकली इस्तेमाल है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्या है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मिथेनॉल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रॉकेट वगैरह जो ये रॉकेट ऐसे उड़ जाता है सीधे आसमान में, ये रॉकेट, अब वो वाला दिवाली वाला रॉकेट नहीं, 2 रुपया वाला, बात कर रहा हूं बड़े रॉकेट्स की। तो उनका जो फ्यूल होता है जब उन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है ऊपर में, तो जो उनका फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन के जरिए बनाया जाता है, मिथेनॉल में भी हाइड्रोजन की मात्रा होती है। तो ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन और ये कास्टिक सोडा, ये तीनों चीजों में फ्रेंड्स एक छोटा सा टॉपिक था, हालांकि ये चैप्टर कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली पूछा कि सर जैसे आप अपने वीडियोस को कंबाइंड क्यों नहीं बनाते हो, तो फ्रेंड्स मेरा जवाब ये है कि अगर मैं बहुत सारे टॉपिक्स को एक वीडियो में समेट दूंगा, और कभी आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे मुझे खोजना चाहोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो चैप्टर को मैंने कैटेगराइज करके इसमें ये चीजें बहुत जरूरी है, हालांकि मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है, सारे क्वेश्चन भी कवर किए, लेकिन उसमें मैंने स्पेसिफाई किया, जैसे एसिड क्या, एसिड पे मैंने एक वीडियो बना डाली, एसिड ये होता है, इसकी स्ट्रेंथ ऐसे नापते हैं, इसका ये यूज होता है, ऐसे रिएक्ट करता है, मैंने एक वीडियो उसको बना दिया। दूसरी तरफ बेस की बात करें, मैंने बेस पे वीडियो बनाया, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया पीएच को समझाने के लिए कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स एसिड बेस के बाद अब बारी आई थी सॉल्ट की, और सॉल्ट कैटेगरी की बात हम जब करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने दिमाग में जो पहला प्रश्न आता है वो कॉस्टिक सोडा से ही शुरू होता है, और आपको पता है कि कॉस्टिक सोडा की शुरुआत भी जो है एक नमक से होती है, जिसे हम NaCl कहते हैं,
और यही कॉमन सॉल्ट जब वाटर के साथ मिल जाता है तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, जो वस्तु हमें प्राप्त होती है, वह वस्तु ही कास्टिक सोडा कहलाती है। कास्टिक सोडा को हमने जाना। अब कास्टिक सोडा के यूजेस हमने यहाँ लिख दिए कि सोप है, डिटर्जेंट है, रेयन है, पेपर इंडस्ट्री है और बॉक्साइट और के एक्सट्रैक्शन है। तो ये एक चीज था। अब हमने इसमें देखा था कि जब इलेक्ट्रोलिसिस किया था तो क्लोरीन भी ऑब्टेन हुआ, तो क्लोरीन के बारे में हमने बात की कि ये वाटर प्योरिफिकेशन में वर्क होता है, बैक्टीरिया को किल करता है ताकि हमारे पानी में किसी प्रकार का प्रदूषित कोई चीज ना रहे। इसके अलावा ये ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, इसके अलावा ये HCl के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारा अगला था जो हमें कैथोड पे प्राप्त हुआ था और वो था हमारा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन तो आपको पता है सबसे बढ़िया, उसका अगर आपसे कोई पूछ दे तो सबसे पहले फ्यूल का नाम लेना। इस समय देश हमारा फ्यूल की तंगी से गुजर रहा है, बहुत महंगा हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वैज्ञानिक बंधु, हमारे देश के सम्मानित वैज्ञानिक लोग अभी लगे हुए हैं कि हम विकल्प के तौर पे भविष्य में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही डिपेंडेंसी बनी रही तो वो दिन दूर नहीं कि जब दूसरी कंट्रीज हमें तेल के बदले में हमारा तेल निकाल देंगे। तो थोड़ा उस महंगाई से बचने के लिए मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँच रही है, मेरी आप सभी से आग्रह है कि थोड़ा सा फ्यूल कम बर्बाद करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मैनुअल रहने का। ऑटोमेटेड के चक्कर में बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्बाद हो रहा है और ये फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है बहुत सारे पोल्यूटेंट्स को, और आपको पता ही है कि समय में इन पोल्यूटेंट्स की वजह से हमें क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी प्रयास थी जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कॉस्टिक सोडा क्या होता है, कॉस्टिक सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके यूजेस क्या होते हैं। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए और हम आपको अलग अलग टॉपिक्स पे नई नई वीडियोस बना करके आपको बताते रहेंगे। और खास करके फ्रेंड्स एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को अगर कमियां हैं तो जरूर कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर आप करेंगे तो मैं जैसे फ्रेंड्स बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कोई चैनल बनाया प्रमोशन के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने लगते हैं तो कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले। क्या फ़ायदा उन सब्सक्राइबर्स का जो सब्सक्राइबर इससे रिलेट नहीं करते हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि एक बंदे को चाहिए सब्जी और उसको मिठाई की दुकान पर ले जा करके खड़ा कर दें। तो एक प्रॉपर सोर्स बनाए रखने के लिए मैं यही चाहता हूं कि वही स्टूडेंट्स जो इसको देख रहे हैं वो अपने उन दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाएं जो दोस्त आपके इस क्लास या इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, ताकि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिले और मैं आपके सामने लाइव आने की कोशिश कर सकूं। लाइव आना बड़ा जरूरी है फ्रेंड्स। इस आपदा की घड़ी में यूट्यूब में एक उम्मीद दिखती है। उम्मीद किस प्रकार की दिखती है कि हम लोग कई सालों से पढ़ा रहे हैं लेकिन आज से कुछ समय पहले लोग हमें नहीं जानते थे, क्योंकि हमें ही नहीं पता था कि इस सोर्स का इस्तेमाल करके हम लोग कहां तक जा सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास ये साधन है। मैं इस साधन के जरिए आप सभी लोगों के मोबाइल से दूर दूर तक जाना चाहता हूं। और फ्रेंड्स आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कॉम्पिटिशन्स में क्लोरोअल्कली प्रोसेस या फिर कास्टिक सोडा से रिलेटेड या फिर यूजेस ऑफ क्लोरीन से रिलेटेड या फिर हाइड्रोजन के यूजेस से रिलेटेड या फिर NaCl के यूजेस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को बार बार देखें, एक स्क्रीनशॉट लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।